गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रीना चट्ठा। आज मैं आपको पार्ट 3 चाणक्य की चतुराई पढ़ाने जा रही हूँ। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। प्रस्तुत पाठ में हम उनकी चतुराई का एक किस्सा पढ़ेंगे। एक बार की बात है, सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता रोता आया और बोला, महाराज मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा मित्र मेरा सारा जमा धन हड़प कर गया। सम्राट चंद्रगुप्त बोले, साफ साफ कहो क्या बात है। तब किसान बोला, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा नाम रामदास है। कुछ समय पूर्व मैं तीर्थयात्रा पर निकला था। जाते समय मैं अपना सारा धन अपने मित्रों के पास रखकर गया था। मैंने कहा था कि तीर्थयात्रा से लौटने पर ले लूँगा, परंतु अब वापस आने पर मेरा मित्र मुझे पहचानता ही नहीं। कहता है, कौन सा धन कैसा धन, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। महाराज मैं क्या करूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। चंद्रगुप्त ने पूछा, तुम्हारा कितना धन था। किसान बोला, महाराज 5000 सिक्के। महाराज ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र को लेन देन के लिए कोई लिखा पढ़ी की थी, क्या तुम्हारा कोई गवाह है। किसान ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, मैं अपने मित्र पर बहुत विश्वास करता था, इसीलिए मैंने कोई लिखा पढ़ी नहीं की। मंदिर के पास उस स्थान पर दोपहर में कोई आता जाता भी नहीं था, अतः मुझे धन देते हुए और मेरे मित्र को धन लेते हुए किसी ने भी नहीं देखा है। अब वह इनकार कर रहा है कि उसने कोई धन नहीं लिया है। चंद्रगुप्त ने किसान के मित्र को बुलाया। उसका मित्र दरबार में आया। सम्राट ने पूछा, क्या यह किसान ठीक कह रहा है। महाराज यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, और अनजान व्यक्ति का धन मैं क्यों लूँगा, और वह भी किसी लिखा पढ़ी के बिना। और यह जिस मंदिर की बात कह रहा है, उस मंदिर को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं तो उस मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वहाँ जाने की बात तो बहुत दूर की है। महाराज ने अपने मंत्री चाणक्य की ओर देखा और अगले दिन दरबार में आने को कहा। चाणक्य ने राजा से कहा, आप इस मुकदमे का निर्णय मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं इसका फैसला करूंगा। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। मंत्री ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के पास किस स्थान पर धन दिया था। किसान बोला, मंदिर के पास पीपल का एक पेड़ है, यह वहीं बैठा हुआ था, वहीं मैंने इसे धन दिया था। धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा हो या ना देखा हो, पेड़ ने तो अवश्य ही देखा होगा। वह आदमी संकुचित हो गया और बोला, महाराज। तब मंत्री ने कहा, जाओ उस पेड़ को बुला कर लाओ, वह गवाही देगा। किसान संकुचाते हुए पेड़ को लेने चला गया। सुबह से शाम हो गई पर किसान नहीं आया। उसका मित्र बैठे बैठे परेशान हो गया। महाराज ने पूछा, क्या मंदिर इतनी दूर है जो किसान अब तक लौट कर नहीं आया। भूख और प्यास से परेशान किसान का मित्र बोला, महाराज मंदिर तो ज़्यादा दूर नहीं है, इतनी देर में तो मैं मंदिर के 20 चक्कर लगा लेता, लेकिन वह बूढ़ा आदमी गया हो तब ना, वह तो बहुत झूठा है, जरूर वह घर जाकर खा पीकर आराम कर रहा होगा। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो वहाँ कभी गए ही नहीं, तो अब कैसे कह रहे हो मंदिर पास ही है। निश्चय ही वह बूढ़ा किसान सही कह रहा था और तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अवश्य ही उसका धन हड़प लिया है, अब तुम अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राजदंड के भागी बनोगे। किसान स्वयं अपनी बात के जाल में फंस चुका था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बूढ़े का धन वापस करने का प्रण किया। थोड़ी देर के बाद बूढ़ा किसान आ गया। वह बहुत थका थका सा लगा। वह बोले, मंत्री जी मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की पर वह नहीं आया। तब मंत्री ने कहा, अरे नहीं, वह आया था और गवाही देकर चला भी गया। तुम्हारे मित्र ने मान लिया है कि उसने ही तुम्हारा धन लिया है, अब वह वापस देने को भी तैयार है। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर न्याय कर दिखलाया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का धन या कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लेनी चाहिए। अगर हम कुछ किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत होता है। अगर वह उसके पैसे नहीं लौटाता, वह अपनी गलती नहीं मानता, तो उसे राजदंड मिलता है। राजदंड का मतलब होता है राजा की तरफ से उसको सजा मिलती। तो आप सबको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।